दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं हरमीत कौर, खबर दिल्ली से। आज हम आए त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या है उनकी राय कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। अच्छा, तो पिछले 5 साल से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे, उनका काम आपको कैसा लगा? वैसे तो इसने अच्छा काम किया। क्या क्या काम किया? लाइट का काम, बिजली का बिल बिल्कुल कम है, हर झुग्गी में शौचालय है। और यहाँ के विधायक कौन? जितेंद्र सिंह तोमर। आते हैं इलाके में? हाँ, आते हैं। क्या 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 काम कराया उन्होंने? ये शौचालय बनवाए और ये पानी आने की व्यवस्था करवा दी कुछ। मेरा नाम राजेश्वरी है। कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं पर रहते हैं। अच्छा, जैसा आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव अब खत्म हो गए, दिल्ली में विधानसभा के आने वाले हैं, तो अगला मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए, आपको क्या लगता है? वो यही बनना चाहिए केजरीवाल को। क्यों? जो सबकी सहायता करा जनता के। अच्छा, क्या क्या सहायता दी उन्होंने? क्या सामान मिले, ये सामान मिले, और क्या ये पड़े कूड़े कांचे में, और क्या काम करवाए उन्होंने हैं? और क्या काम करवाए तो दिखाइए, नाले वाले डलवाए थे सब। अच्छा, विधायक कौन है यहाँ? यहाँ के विधायक तो ये हैं, ये मोदी नरेंद्र, वो तो प्रधानमंत्री है ना। यहाँ के MLA आपके इलाके के MLA? हमारे यहाँ के तो पता है, हाँ, जितेंद्र तोमर। आते हैं इलाके में? आते हैं यहाँ देखने के लिए। क्या क्या काम कराए उन्होंने? हाँ, कराए ये शौचालय वगैरह उन्होंने बनवाए हैं सारे। क्या नाम है आंटी जी आपका? खतेजा खर। कहाँ रहते हैं आप? C4। अच्छा, मुख्यमंत्री के चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में दोबारा, तो किसे बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बनावो इसको झाड़ू छाप को। क्यों? वो मेरे झुग्गी को कुछ रिहाई किया है, कुछ फायदा किया है। क्या फायदा हुआ आपकी झुग्गी में? ये हुआ कि झुग्गी टूटने वाला रहा, ठीक, झुग्गी ने रोके है। अब पता न, ये मोदी सरकार बैठा है, हम लोग को भगावेगा या रखेगा, कोई पता नहीं। अच्छा, तो केजरीवाल जी ने क्या क्या काम किया और आपके यहाँ के? केजरीवाल क्या करे है, जो जनता कहे सेवा अच्छे किया है। अच्छा, विधायक कौन है यहाँ के? अब उतना हम पढ़ा लिखा नहीं है, विधायक कौन है? अंकल जी आपका? मेरा तो कल्लू माते है। कहाँ रहते हो आप? यही रहते सामने जो की। अच्छा, दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं मुख्यमंत्री के, तो किसे बनना चाहिए अगला मुख्यमंत्री? मैं तो केजरीवाल है। क्यों नहीं है? क्यों बनना चाहिए केजरीवाल? क्या किया? अच्छा, केजरीवाल जी ने क्या किया? केजरीवाल ने कुछ नहीं, मैं झुग्गी रुकवाई। और क्या क्या काम किया? उसने लाइट का बिल कम किया, पानी का बिल किया, पानी की सप्लाई करी। और बोलो। अच्छा, अगर इतने काम किए तो वो लोकसभा के चुनाव क्यों हार गए? हार गए मगर हारे नहीं है, मम्मा सिंह में गड़बड़ी थी तो हार गए। अच्छा, आपने वोट किसको दिया था? मैं तो दिया कांग्रेस को, मगर कांग्रेस आना चाहिए इस साल में। अच्छा, तो मुख्यमंत्री के लिए कौन आना चाहिए? मुख्यमंत्री तो वहाँ केजरीवाल आएगा। क्या नाम है आंटी जी आपका? मानसरी। कहाँ रहते हो आप? जुगियन में। अच्छा, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं मुख्यमंत्री के, तो किसे बनना चाहिए अगला मुख्यमंत्री? मुझे नहीं पता बेटा कौन बनेगा। अच्छा, केजरीवाल को जानते हैं? केजरीवाल? हाँ जी। कौन है वो? बनिया जी। किसे बनना चाहिए अगला मुख्यमंत्री? केजरीवाल के। क्यों? क्योंकि वो तो बिजली कम करवाया और नाला साफ करवाता है, शौचालय हम लोग का फ्री वर करवाया, ऐसे करवाया। अच्छा, और क्या काम करा आपके क्षेत्र में? अभी तो उतना नहीं पता, मैं इतना तकलीफ तो करवाया किया है। अच्छा, तो अगर उन्होंने इतना काम कराया तो वो हार क्यों गए फिर इस बार? अभी लगे तो क्या, अभी किया तो हम लोग को जो करवाया। अच्छा, विधायक कौन है यहाँ के विधायक? यहाँ के विधायक तुम्हारे है, जितेंद्र तुम्हार है। आते हैं इलाके में? इलाके में जब जरूरी पड़ता है इसे मीटिंग में कभी कहाँ है। क्या नाम है भैया जी आपका? सुमित। कहाँ रहते हैं आप? यही रहता हूँ। किसे बनना चाहिए अगला मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री इन्हीं को बनना चाहिए, केजरीवाल जी को। क्यों? क्यों? क्योंकि वो काम करवाते हैं इसलिए। अच्छे स्कूलों में देख लीजिए कितनी अच्छी शिक्षा हो रही है, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है बच्चों की। और इधर आ जाओ साइड। राधेश्याम घनघोरा। कहाँ रहते हैं आप? सामने झुग्गी में। अच्छा, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, किसे बनना चाहिए अगला मुख्यमंत्री? अरविंद केजरीवाल। क्यों अरविंद केजरीवाल? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। क्या क्या काम किए? बिजली के बिल इतने महंगे महंगे आते थे, आधे आ रहे हैं। पानी की समस्या नहीं है झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए, सारी शौचालय वगैरह सारी सुविधा, सड़क नाली सब बनवाया है। अच्छा, विधायक कौन है आपके यहाँ के? जितेंद्र सिंह तोमर। आते हैं इलाके में? आते हैं। कोई काम करवाए उन्होंने? बहुत काम करवाए। क्या क्या काम करवाए? सड़क बनवाई है, नाली बनवाई है, शौचालय बनवाई है, पानी की लाइन बिछवाई है।
अच्छा, अगर उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने इतने काम किए तो वो लोकसभा के चुनाव क्यों हार गए? अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्यों हार गए, हमारे यहाँ से तो हारे नहीं है, अब दूसरी जगह से हार जाए वो बात एक अलग है। अच्छा, तो अब अरविंद केजरीवाल जी के चुनाव आने वाले हैं मुख्यमंत्री के दोबारा, तो वो आपको लगता है जीत पाएंगे? हमको तो जीतना चाहिए, लगता भी और जीतना चाहिए। अब तक हमने जितने भी सीएम देखे हैं ऐसा नहीं देखा हमने, बहुत दिमागदार माइंडेड आदमी है, बल्कि और दूसरे राज्यों में भी जो जो रास्ता इन्होंने चुना है ना उसको अपना रहे हैं कई प्रकार से। अच्छा, पहले के सीएम में और आज के सीएम में जो अब हैं उनको में क्या फ़र्क नज़र में आया? फ़र्क तो बहुत है मैडम, पहले के या तो पहले वाले सीएम थे तो सरकार के पास इतना बजट नहीं होगा, अब तो इतने काम करवाते हैं, पहले इतने काम करवाता ही नहीं था। राजस्थान के रहने वाले हैं हम, उधर भी देखे हैं हमने सरकार, सीएम देखे हैं और पीएम देखे हैं, लेकिन अब जितने पावर हैं जितने काम करवाते हैं पहले नहीं होते थे ऐसे। आज से 15-20 साल पहले जितना ज्ञान एक विधायक को था इतना तो हर गली में होता है आजकल, अब सब पढ़े लिखे हो गए ना। अच्छा, तो अगर उनको 10 में से अंक देने हो, नंबर देने हो, कितने नंबर चुनेंगे आप? हम तो सब पूरे के पूरे दे देंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। कहाँ रहते हो आप? हमें केशवपुरम सीपुर झुग्गी में रहते हैं। जैसा आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव अब खत्म हो गए, दिल्ली में विधानसभा के आने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? केजरीवाल का बनना चाहिए। क्यों केजरीवाल? नहीं, अच्छा काम किया उन्होंने दिल्ली का। क्या क्या काम किया? सब कुछ कर दिया, जब बिजली का बिल आधा कर दिया, पानी का 700 लीटर पानी दे दिया हर परिवार के लिए, और क्या चाहिए, और भी बहुत कुछ करा है, सारे शौचालय बनवा दिए, शौचालय फ्री करवा दिए, पानी पैसा भी नहीं देना पड़ रहा। अच्छा, अगर इतने काम करा दिए, इतने काम किए तो लोकसभा के चुनाव क्यों हार गए वो? देखिए, इसमें तो मैं इस बात को नहीं कह सकता क्यों हार गए, यहाँ से तो जो सारी झुग्गी वालों का जितने भी लगभग 80% वोट तो जो केजरीवाल को गया। अच्छा, अगर इतने वोट गए तो वो वोट गए कहाँ? ये मैं नहीं कह सकता कहाँ गया, ये तो केंद्र सरकार जाने या कोई केजरीवाल सरकार जाने, इस बात को हम नहीं कह सकते। अच्छा, विधायक कौन है? हमारे यहाँ जितेंद्र तोमर है। आते हैं इलाके में? हैं, आते हैं, जब बुलाते हैं जब भी आ जाते हैं। अच्छा, क्या क्या काम कराया उन्होंने? काम कराया हमारे झुग्गी में साड़ी में जो नाला बनवा दिया टोटल। क्या क्या काम है? नहीं, साड़ी झुग्गी में नाला बनवा दिया टोटल, 2 बार नाला बनवाया, और हर गली के अंदर जो है उन्होंने RCC करवाया है, और क्या चाहिए। और कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों में कोई काम करवाया? जी, नहीं, अस्पतालों की तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है क्या करवाया क्या नहीं। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं, C3 में हमारे खुला हुआ है, पास में हमारे। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा विजय नाम है। कहाँ रहते हो आप? यहीं पर रहते हैं। खड़े हो जाएंगे भैया जी 2 मिनट। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पर रहते हैं, सीपोर की झुग्गी में। अच्छा, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, किसे बनना चाहिए अगला मुख्यमंत्री? अगला मुख्यमंत्री केजरीवाल को ही बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छी सुविधा देते हैं। क्या क्या सुविधाएं दी? सारी कुछ सुविधा दी है हमारे लिए, तो बाकी जो मोदी ने कुछ सुविधा नहीं दी है। अब ये देख रहे हो, ये सारा ताम झाम जो है सारा हटा दिया इन्होंने। अच्छा, विधायक कौन है आपके? विधायक जो है तोमर हैं। आते हैं इलाके में? आते हैं। क्या क्या काम कराए उन्होंने? ये सारा कुछ करा रहा है, नीचे जो है सुविधा कर रखी है, पूरी नाला बनवा रखा है, पानी की सुविधा कर रखी है। तो आपको लगता है अरविंद केजरीवाल दोबारा आने चाहिए? हाँ, मुझे नहीं, मुझे तो यही चाहिए कि यही आने चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? बादशाह। स्कूल जाते हो बादशाह जी? जाते हैं। कौन से स्कूल जाते हो? नंबर 2। अच्छा, स्कूलों में कोई नई बिल्डिंग बनी या कोई बदलाव आए? हाँ, आए हैं। क्या क्या हुआ? अलग से ट्यूशन लगते हैं। और क्या काम हुआ? और 12वीं 11वीं की छुट्टी पर है, हमारा नहीं पर है, 2 महीना के लिए हमें पेप्सी दिए हैं और 2 महीना अच्छा से पढ़ाए हुए। खाना पीना बढ़िया हो रहा है? हाँ। टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं? हाँ। क्या नाम है अंकल जी आपका? फिदा हुसैन। कहाँ रहते हैं आप? ये यहीं है पटरी में। हाँ जी। अच्छा, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, किसे बनना चाहिए अगला मुख्यमंत्री? जो है वो नहीं रहेगा। कौन है? केजरीवाल। अच्छा, क्यों केजरीवाल? क्या क्या काम कराए उन्होंने? फ्री है, राना फ्री है, खाना तो मिलेगा ही ना। अच्छा, वोट दिया था आपने? हाँ दिए थे। किसको दिया था? इसका तोमर जी को। तो अब किसको देंगे आप मुख्यमंत्री के लिए दोबारा? दोबारा जो खड़ा करेंगे तो केजरीवाल उनको देंगे। कल जी आपका? मोहम्मद अजमत। कहाँ रहते हैं आप? यहीं C4 में। अच्छा, किसे बनना चाहिए आपके हिसाब से अगला मुख्यमंत्री? वही केजरीवाल होना चाहिए। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल बहुत सी सुविधा दी हम लोग को। क्या सुविधा है? झुग्गी को सफाई रखा हर जगह,
उसके बाद जाके लेटरिन भी फ्री कर दिया लेडीज़ को। हम लोग को सब बच्चा जितने जाते थे एक रुपया देते थे, अब वो सब बच गया। मैं तीन बार चार बार जाते थे तो तीन बार चार में बार में पैसे खर्चा लगता था। अब एक घर में पाँच सदस्य है, पाँच सदस्य में माने पाँच रुपया इसे दिन भर में चला जाता था, वो बचत हुआ। बिजली में आधा कटौती हो गया, हम लोग बिजली 24 घंटे आ रहा, पानी भी फ्री यहाँ चल रहा, एक पैसा कोई खर्चा नहीं। अच्छा, विधायक कौन है यहाँ के? तोमर है। आते हैं इलाके में? आते हैं घूम। काम कराया उन्होंने? मुलाकात करते हैं तो सब बात सुनता करता। हाँ, अगर अरविंद केजरीवाल को या विधायक को 10 में से नंबर देने हो कितने नंबर? 10 में से आप कितने देंगे? तो बुरे 10 मिलेंगे उनका। क्या नाम है आंटी जी आपका? क्या नाम है आंटी जी आपका? समीना खादो। किसे बनना चाहिए मुख्यमंत्री? वही केजरीवाल को। क्यों? 10 सुविधाएं दिया तभी तो उनके करेंगे। बहुत सुविधा दिया, पानी के, शौचालय के, बिजली के, उनके जिताई, उनके निकाल दई है। अच्छा, यहाँ सबने कहा कि केजरीवाल ने इतनी सुविधाएं दी, सबने वोट दिया, तो वो वोट गए कहाँ? अब आप ही लोग ने जानोगे जो क्या घटोला हो रहा है। हम लोग तो डालने को मस्त ही है। अच्छा, आप किसको वोट डालेंगे? मुख्यमंत्री को आएंगे? उसी के जितवाई केजरीवाल को।